भाई तो 10:10 का शो है और अभी ही बज गया है। कितना बज गया? ओहो, और अभी ही बज गया है 10। तो हम लोग 10 मिनट में सूर्या मॉल पहुंचना है दुर्ग से। तो मिलते हैं, देखते हैं हम लोग पहुंच पाते कि नहीं सही टाइम पे। बाबू भाई पहुंच गए फाइनली मॉल और टाइम हो गया 10:15, लेट हो गया 5 मिनट। देखते हैं छुट्टी है मूवी की नहीं। भाई ऑन टाइम पहुंच गए अपन फाइनली। भाई ऐसा उड़ते हुए हैं जोरदार। भाई टिकट है 500 रुपये की और यहाँ पॉपकॉर्न 2 लाख रुपए का है। इतना रेट बढ़ा दिए PVR वाले। भाई मस्त अपन लोग मूवी देख के निकल गए। एक नंबर लगी मेरे को तो मूवी, और आफ्टर क्रेडिट्स भी एक नंबर है। मज़ा आ जाएगा देखिए। कैसे बाबू भाई, क्या लगा, कैसी लगी? बहुत ज़बरदस्त है भाई। मुझे लगता है DC वालों को इंस्पायर होना चाहिए थोड़ा सा बैटमैन के लुक से। अबे तो बैटमैन है ये, तो वैम्पायर था ना। बैटमैन रहता तो अलग बात है, वैम्पायर के लिए। तो ये है सूर्या ट्रेजर आइलैंड जो कि अभी ऑलमोस्ट बंद हो गया है। ऑलमोस्ट का बंद ही हो गया। हम लोग भी अब घर जा रहे हैं, तो घर जाके मिलते हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कल रात में हम लोग मॉर्बियस देख के आए। मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो जो VFX पार्ट है मार्वल का वो तो ऑसम रहता ही है, तो शायद उस कारण भी मुझे बहुत अच्छी लगी और स्टोरी भी बहुत अच्छी है, तो मुझे मतलब बहुत पसंद आई। तो आज यार, आज फर्स्ट सैटरडे है मेरा, आज ऑफिस रहता है, तो मैं अपना ऑफिस तो ऑन कर दिया हूँ, चल रहा है। और आज पक्का मेरे को ऐसा लग रहा है काम ज़्यादा दे देंगे। जिस दिन छुट्टी से एक दिन पहले वाला दिन रहता है ना, उस दिन थोड़ा काम ज़्यादा कर देते हैं। तो आज ऐसा तो कुछ प्लान नहीं है। अभी बाबू भाई भी बैठा हुआ है, वो भी बेचारे दुखी हो गया क्योंकि वो सोच रहा था कि आज सैटरडे छुट्टी होगी मेरी, तो हम लोग कुछ प्लान कर पाएंगे, कहीं जा पाएंगे, आपको कुछ दिखा पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो अभी तो फिलहाल मैं जाता हूँ नाश्ता करने, फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। आज नाश्ते में पप्पा के लिए तो मैं बना रहा हूँ ऑमलेट। मैं और बाबू भाई कल का बच्चों को चिकन खा रहे हैं मस्त। रोटी के साथ बच्चों को चिकन खाने में बहुत मज़ा आता है, अलग टेस्ट आता है एकदम जोरदार। अभी बनाता हूँ, नेक्स्ट डे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो नाश्ता वगैरह तो बस हो गया है, अब देखते हैं थोड़ा काम वाम करेंगे। और सोच रहा हूँ कुछ DIY करूँ, लेकिन DIY करने के लिए सामान लेने एक्टिवा में जाना पड़ेगा और इतने धूप में तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी देखते यार, टाइम हो रहा है अभी 1:25। मम्मी मेरे को ड्यूटी लेने बुला लिए, तो मम्मी को लेके आते फिर कुछ DIY का प्लान बना रहे हैं। क्या होता है कुछ तो दिमाग में आना चाहिए, आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। वही तो बात है ना, सजेस्ट ही नहीं करते, कमेंट ही नहीं करते, मुझसे प्यार ही नहीं करते। मम्मी को लेके आ गए हैं वापस घर, और अब तो सोच रहे हैं कि क्या करें, देखते हैं कुछ प्लानिंग मिले तो। तो दोस्तों मेरा जो ये रूम है ना, इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ मैंने खुद से ही बनाया है। जैसे ये एकॉस्टिक पैनल मैंने खुद से बनाया है, ऊपर के सारे पैनल्स मैंने खुद से बनाया है, ये लाइट का फिक्सचर जो है वो भी मैंने ही बनाया है। और तो और मेरा जो रूम है ना, वो मतलब ये स्विच बोर्ड देख के बहुत गंदा सा लग रहा हो आपका, इसके अंदर मैंने लगाया है Node MCU। और मेरा जो रूम का लाइटिंग है वो भी सब ऑटोमेटिक है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे रूम एम्बियंस लिखा हुआ है, ठीक है, इससे मस्त मेरा लाइट पूरा ऑफ हो जाता है, और यही दबाने से वापस ऑन, फैन ऑफ, फैन ऑन, और ट्रैक लाइट भी लगी हुई थी यहाँ पीछे पे, जाओ वायर देख रहे हो ना,
यहाँ पे ट्रैक लाइट लगी हुई थी पहले, वो मैं हटा दिया हूँ, उसका भी ऑटोमेटिक कंट्रोल है। साथ में ये पूरा ऊपर का जो एरिया है, ऊपर के जितने पैनल्स है इसके पीछे में भी LED स्ट्रिप्स लगी हुई है, जो कि ये भी थोड़ा खराब हो गई है। मतलब उसका स्विच भी यहीं से था, तो उसको मैं अभी जा रहा हूँ बदलने। मतलब अभी उसका अडाप्टर उड़ गया, अडाप्टर उसका दिख रहा होगा शायद पीछे, हाँ वो जो लटक रहा है ना वो उसका सेंसर है, और वहीं पे उसका अडाप्टर है वो उड़ गया, तो उसको अभी बदलता हूँ मैं। और फिर अगर आप लोग को ये करना है ना, अगर आपको ये सीखना है तो कमेंट करना कि आपको होम ऑटोमेशन के बारे में सीखना है, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। इससे अभी आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा मैं, इसके अंदर लगा हुआ है मेरा नोड MCU, यहाँ से तो नहीं दिखा पाऊंगा। एक और ऊपर पड़ा हुआ एक्स्ट्रा, ये हॉल के लिए बनाया था मैं, जिसको अभी तक लगाया नहीं, इसमें कोडिंग पूरी हुई है नहीं। यार ये जैमर है मेरा, ये वाईफाई ID वो करने के लिए, आसपास के किसी के भी वाईफाई को थोड़ी देर के लिए बंद करने के लिए, डी ऑथ करने के लिए, ये उस चीज़ के लिए। तो अभी लाता हूँ पीछे से मैं चढ़ने का, ऊपर चढ़ के निकालता हूँ पूरा और दिखाता हूँ आपको। ऊपर चढ़ने के लिए अपने को लगेगा ये, इसको बोलते हैं घुड़ी, और इसके ऊपर पड़ा हुआ है बहुत सारा सामान, तो इसको भी फेंकना पड़ेगा और इसको लेके जाना पड़ेगा अंदर, तभी हो पाएगा अपना काम। ये क्या है आई बैल? अच्छा ये तो हैवी है, ये इसके अंदर ना गैस चूल्हा पड़ा हुआ है पुराना वाला। ये DIY स्पीकर स्टैंड बनाया था मैं, जो कि अभी यूज़ नहीं कर रहा, तो ये भी पड़ा हुआ है बस ऐसे ही। तो फ्रेंड्स ऐसा हो चुका है कि मैं ना पढ़ाई में इतना वो हो गया था कि अपने स्टूडियो पे ध्यान ही नहीं देता था। ये पूरा मकड़ी का जाला लगा हुआ है, भयानक सारा, और एकदम घना, तो दिख रहे है? तो ऐसा है, ये पूरा लगा हुआ है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा सा था, मतलब ये अडाप्टर हुआ करता था। अडाप्टर को मैंने खोल के ये मेन जो सर्किट वायर आ रही है यहाँ पे शोल्डर कर दिया। वाइट वाला बॉक्स है ये, नहीं ये नहीं, वो ब्लैक वाला बॉक्स है ना, हाँ उसको निकाल पहले। हाँ ये तेरे लाइट का डब्बा निकालना पड़ेगा, फिर वो ब्लैक वाला, ब्लैक के ऊपर एक वाइट डब्बा भी है वैसी टाइप का, हाँ उसमें होगा अडाप्टर। एक नया अडाप्टर है, इसको अभी बस वायरिंग करके एक बार चेक करके देखूंगा चल रहा है कि नहीं। वैसे तो चल जाना चाहिए, चल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ करूंगा। तो वायरिंग तो पूरी हो गई है, नया अडाप्टर में कर दिया हूँ, लाइटिंग में लगा भी दिया हूँ, अब बस ट्रायल करना है भाई। iPad दिखाना तो द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। नहीं हुआ यार, यहाँ ऊपर अबे लाइट कहाँ गया? हाँ है तो लाइट, लगता है दोस्तों लाइट भी खराब हो चुका है अब, क्योंकि ऑन होने से होना चाहिए था ऑन, लेकिन नहीं हुआ। LED में ही था वैसे तो। हाँ हाँ नहीं, नीचे से कनेक्टेड नहीं है, हाँ वो बोर्ड का, बोर्ड खोलना पड़ेगा यार। अब वो ऊपर का जो वायर है ना वो शायद नीचे से ही कनेक्टेड नहीं है, तो वही देखना पड़ेगा है कि नहीं है। टेंशन का काम है, डोंट ट्राई दिस एट योर होम। तो ये लगा हुआ है मेरा आर्डिनो बोलता हूँ यार, नोड MCU लगा है। ऊपर वाला वायरिंग तो किया हुआ है यार, ये और लाइट का है,
ये वाला फैन का है, ये भी लगा हुआ है, सारे तो लगे हुए हैं। शायद मेरा एलईडी खराब हो गया। No sign of success. पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हो पाएगा अभी तो। रूम का काम कर ही रहा था कि मम्मी बोली कि मार्केट छोड़ दे, तो अभी जा रहा हूँ मम्मी को मार्केट छोड़ने, उसके बाद आके रूम की सफाई करूँगा। तो भाई घर आके मस्त सफाई कर रहा रूम की, क्योंकि ऊपर इतना मकड़ी का जाला था, सब नीचे गिराया, गंदा हो गया। तो अभी शायद आवाज़ आ भी नहीं रही होगी क्योंकि वैक्यूम क्लीनर बहुत लाउड है। बढ़िया से रूम वूम क्लीन कर दिए, मतलब फ्लोर कारपेट तो एकदम साफ दिख रहे, एकदम साफ। उसके बाद मुंह कान धो के अपन अभी जा रहे हैं शिकू भाई के पास। शिकू भाई को अचानक से मन किया कि आइसक्रीम खाना है, तो उसी के लिए जा रहे हैं मैं और बाबू भाई। तो फट से तैयार होते हैं, मिलते हैं सीधा आइसक्रीम की दुकान पे आपसे। बाय। आइसक्रीम खाने आए थे और महाराजा मैक खाने वाले हैं। आइसक्रीम और बर्गर के बाद आ गए हम लोग A1 सोडा, इसको सेक्टर 6 बोलूँगा मैं। हाँ सेक्टर 6 ही, सेक्टर 6 में बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छा बनाते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है ये, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, हम लोग बहुत बार पी चुके हैं। तो हम लोग घर आ चुके हैं और आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम लोग खेलेंगे PUBG PC, उसको हम लोग स्ट्रीम करेंगे थोड़ी ही देर में, तो व्लॉग आने के बाद होते रहेगा स्ट्रीम। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।